Good morning, students. Today we will start exercise 5.1 of chapter 5, lines and angles. इससे previous video में हम exercise 5.1 के question 8 तक discuss कर चुके हैं. Now in this video we will discuss the remaining questions. Start करते हैं question number 9 से. Question 9 में देखो हमें एक figure given है. ठीक है, हमें एक figure given है जिसमें हमें 5 angles given है. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. इस फिगर से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं जिनके हमें आंसर्स करने हैं. फर्स्ट हमें गिवन है इज एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2. क्या बोला है क्वेश्चन फर्स्ट नाइंथ के फर्स्ट पार्ट में कि क्या एंगल 1 एडजेसेंट है एंगल 2 के. तो ये हम तब बता पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं. तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं ध्यान से सुनेंगे. एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिसमें कॉमन साइड और कॉमन वर्टेक्स होती है. ठीक है, वर्टेक्स मतलब कॉर्नर्स जिसकी कॉमन साइड और जिसमें कॉमन वर्टेक्स होती हैं बट दे डू नॉट ओवरलैप इन एनी वे. पर वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती हैं तो वहां पर जो एंगल्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स. क्या बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स. फिगर में देखेंगे तो यहाँ पर बोला है कि क्या एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है. तो यस, क्योंकि इनके कॉमन वर्टेक्स क्या है जीरो. इनके कॉमन वर्टेक्स क्या है जीरो है और उनके कॉमन साइड क्या है कॉमन आर्म जिसको कहेंगे हम कॉमन साइड या कॉमन आर्म क्या है ओ सी और दोनों ही एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है. तो यहाँ पर एंगल 1 जो है वो एडजेसेंट है किसके एंगल 2 के. सेकंड में हमसे पूछा है कि ए इज एंगल ए ओ सी. इज एंगल ए ओ सी जो है क्या वो एडजेसेंट है एंगल ए ओ ई के. तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे. मैंने आपको समझा दिया कि एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं. थर्ड है हमारे पास डू एंगल सी ओ ई एंड एंगल ई ओ डी फॉर्म अ लीनियर पेयर. हम आपके क्या एंगल सी ओ ई और एंगल ई ओ डी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. तो लीनियर पेयर क्या होता है. लीनियर पेयर जो होते हैं वो पेयर होते हैं एडजेसेंट एंगल्स के जो फॉर्म्ड होते हैं जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है. तो यहाँ पर अगर हम फिगर में देखें तो एंगल सी ओ ई एंगल सी ओ ई और ई ओ डी है ना क्या ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. तो यस ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि जो पेयर है एडजेसेंट एंगल्स के उनका फॉर्म होंगे जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेगी. तो यहाँ पर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है जिससे जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो क्या है हमारे लीनियर पेयर है. ठीक है, फोर्थ हमें गिवन है आर बी ओ डी एंगल बी ओ डी एंड एंगल डी ओ ए सप्लीमेंट्री. कि क्या एंगल बी ओ डी बी ओ डी और डी ओ ए सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. तो हम जानते हैं कि दो एंगल्स का सम जब कितना रहता है 180 डिग्री. तो वो एंगल्स हमारे कौन से होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं. तो यस ये एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री एंगल हैं बिकॉज एंगल बी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ फिफ्थ में क्या पूछा है हमसे इस एंगल 1 जो है एंगल 1 जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्या एंगल 4 के. ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं. देखो वर्टिकली अपोजिट कौन से होते हैं जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं एंड दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, हमें बोला है कि क्या एंगल 1 एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. तो देखो दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं कौन कौन सी ए बी इंटरसेक्ट कर रही है सी डी को. तो इसमें जो दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं दैट इज 1 और 4 वो क्या है वो भी वर्टिकली इक्वल होंगे. वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो यहाँ पर एंगल 1 किसके इक्वल होगा एंगल 4 के. सो एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स टू एंगल 4. इसके बाद जो इसका सिक्स पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करेंगे. ठीक है, उसमें आपसे क्या पूछा है व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5. इसमें एंगल 5 का आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल पूछा है तो आप खुद से बताएंगे. इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें एक फिगर गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बताने हैं आपको लीनियर पेयर बताने हैं. तो हम क्वेश्चन 9 में सीख चुके हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसको कहते हैं और लीनियर पेयर्स किसको कहते हैं. तो क्वेश्चन 10th भी आप खुद से करेंगे. नाउ 11th क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 गिव रीजन. क्वेश्चन 11th में हमें एक फिगर गिवन है और हमें बताना है कि क्या एंगल 1 एडजेसेंट है एंगल 2 के. ठीक है, और रीजन भी देना है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम फिगर देखें तो यहाँ पर रीजन क्या आएंगे. देखो क्या एंगल 1 एडजेसेंट है एंगल 2 के. नो, क्या एडजेसेंट है एंगल 1 एंगल 2 के. तो हमारा आंसर है नो. अब हमें बताना है कि क्यों नहीं है. तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम है वो नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री. एडजेसेंट एंगल में जो दोनों
एंगल होते हैं उनका सम कितना आता है 180 डिग्री आता है। यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम है वो 180 डिग्री नहीं है, पहला रीजन तो ये हो गया। और दूसरा रीजन क्या है कि दे हैव नो कॉमन वर्टेक्स, इनका कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है। वर्टेक्स मीन्स कोई भी कॉमन क्या नहीं है, कॉमन कॉर्नर नहीं है और या फिर कॉमन साइड नहीं है, ठीक है, कॉमन साइड भी इसमें नहीं है, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलो। क्वेश्चन 12 में हमें दो फिगर गिवन है, ठीक है, इसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट वाले फिगर को हम कंसिडर करते हैं, तो देखो इसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है और एक एंगल हमें दे रखा है 55 डिग्री। तो देखो ये एक्स क्या है, दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही है और एक्स के सामने कौन सा एंगल है 55 डिग्री। हमने जब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स पढ़े थे और अगर हम नहीं भी पढ़े हैं तो हमको पता होना चाहिए कि जब दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उनके सामने जो एंगल्स बनते हैं, उनके जो सामने एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एक्स किसके इक्वल हो गया 55 डिग्री के, तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 55 डिग्री। क्यों आए, क्योंकि दे आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारे कौन से एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स। एक्स और वाई किसके इक्वल आ गए 180 डिग्री के, और एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, जिनकी कॉमन आर्म्स होती है, कॉमन वर्टेक्स होती है और जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री क्यों आया, क्योंकि एडजेसेंट एंगल। एंगल एक्स की वैल्यू तो हमको पता है कितनी है 55 डिग्री, यहाँ पर टोटल हम एंगल एक्स की वैल्यू रख देंगे 55 डिग्री, तो एंगल वाई की वैल्यू हमारे पास पता लग जाएगी, तो एंगल वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 125 डिग्री, ठीक है। वह एंगल वाई की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 125 डिग्री, एंगल एक्स की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 55 डिग्री। अब जेड की क्या वैल्यू होगी, देखो अगर हम ध्यान से देखें तो अगेन जो वाई और जेड है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, क्योंकि दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही है और उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो वाई की वैल्यू 125, तो जेड की भी कितनी हो गई 125 डिग्री। तो हमने तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली एक्स वाई जेड की। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करेंगे, बाकी आपको वो पीडीएफ में भी मिल जाएगा। नाउ 13th है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फर्स्ट हमें गिवन है इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो इनकी मेजर का सम कितना होगा 90 डिग्री। सेकेंड इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। थर्ड टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो वो कौन से होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, तो उनका सम किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। फोर्थ कितना है, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री है मतलब दो एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री है तो वो क्या फॉर्म करेंगे, लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। फिफ्थ है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सिक्स्थ क्या है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है पॉइंट पे, इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल, अगर एक पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक्यूट है तो जो दूसरा पेयर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का वो कौन सा एंगल फॉर्म करेगा, ऑब्ट्यूस एंगल, तो हमारे पास ब्लैंक में क्या आ जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है जो आप खुद से ट्राई करेंगे और आपको वो पीडीएफ में भी मिल जाएगा। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 5.1 खत्म होती है, नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करेंगे।